जैसा कि आपके सामने अपना एक मिशन ऑफ 15 तारीख है, 15 अगस्त को जो भी भाई, जो महिला, जो नौजवान कोई भी है, 15 तारीख के लिए इतनी कमर कस दो और इतनी पब्लिक जुटा दो और इतने ट्रैक्टर जुटा दो कि पूरे विश्व के अंदर टोल प्लाजा खट्टर का नाम होना चाहिए। अब ये दलवीर भाई डॉक्टर कह रहा था बीपी पर वाला के गोली के लिए, मैं ये कहता हूं कि हमारे खट्टर टोल प्लाजा से 100 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने छातियों में गोली खाने के लिए 8 महीने पहले कह दिया था। वो तो हमारे युवा साथी, वो तो बुजुर्ग साथी बैठे हैं, यहाँ इतने क्रांतिकारी बैठे हैं, उन्होंने भी 8 महीने पहले कह दिया था कि गोली खाने के लिए हम पहले तैयार हैं। ये तो बात पहले ही हो चुकी है। इतने क्रांतिकारी 8 महीने से कोई टोल प्लाजा बैठा है, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर है तो एक खट्टर टोल प्लाजा है जो गोली से भी नहीं डरता, जो प्रशासन से, पुलिस के डंडों से, बोछारों से, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से कोई परवाह नहीं करता, वो है खट्टर टोल प्लाजा का नाम जो किसी की डर। आने वाले समय में मैं धन्यवाद करूंगा अग्रवा वालों का जिन्होंने कल बड़े अच्छे तरीके से एक उस दुष्यंत का जो अपने आप को ये कहता था कि मैं तो कहीं रुकूंगा भी, एक हमारा महेंद्र सिंह कोलेरी गांव का किसान शहीद हुआ, लेकिन वहां के किसानों ने बड़ी दिलेरी के साथ उसका विरोध किया और उसको भगाने का काम किया। आप जीत गए। अभी इलाहाबाद में कभी कहीं कभी रोहतक के अंदर इन्होंने मजाक समझा क्या है लोगों, किसान भाइयों एक बात और है, अब आपके आंदोलन के साथ हर एक आदमी जुड़ चुका है, हर एक बिरादरी जुड़ चुकी है, जन आंदोलन बन गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप एक कॉल करोगे तो उसमें आपके कई लाखों लोग, मतलब महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगे, एक कॉल के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, आप उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जो भी लड़ाई लड़ोगे वो आप सफल हो के आओगे, चाहे जिंदगी है चाहे शहर की, वो तो आपने बहुत लड़ ली। अगर आप कहीं भी लड़ोगे तो आप प्रशासन इतना डरा हुआ, सरकार इतनी डरी हुई आपसे कि कभी इसी जींद टोल प्लाजा खट्टर को टोक मत देना और मत टोकना, क्योंकि ये बख्शेंगे नहीं। अब इतनी तैयारी है आपकी और ये दावा करते हैं, ये नहीं कहते, हम नहीं कहते, संयुक्त मोर्चा भी कहता है, हर कोई आदमी कहता है कि आपकी जीत निश्चित हो चुकी है, लोगों निश्चित हो चुकी है, क्योंकि 8 महीने से आपका जो जज्बा है इससे जीत कहते हैं, क्योंकि ये जज्बा हर एक आदमी का। लेकिन 9वें महीने के बाद जब आपकी 27 तारीख होगी तो इस 72 साल का रिकॉर्ड गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि इतना लंबा आंदोलन हुआ तो एक 2021 में किसानों का हुआ था, इससे ऊपर कोई आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन ये लिखा जाएगा। अब किसान हर जगह, आप किसी भी जगह चाहिए, आपका बोलबाला हो चुका है, किसान जाग चुका है। कई बार ये भाई भी कहते हैं कि जब तक बच्चा बच्चा रोड पे नहीं आएगा, हर घर से आदमी नहीं निकलेगा, हर घर से औरत नहीं निकलेगी, लेकिन समय लगता है, लेकिन ये समय 8 महीने का लगा और 9वां महीना जिस टाइम लग जाएगा, आपको इन रोडों के ऊपर हर बच्चा बच्चा, हर औरत के हाथ में आपने झंडा और झंडा दिखेगा किसान का, और कुछ नहीं दिखाई देगा, जोरदार दिखेगा।